मतलब वाला यस माइनस वन ओके टेन माइनस वन यस अलेफिया माइनस वन ओके ओके प्रीत का आंसर वन आ रहा है प्रीत क्यों वन आ रहा है 24th का ओके देख लेते हैं 23rd का आंसर क्या था 23rd का माइनस कर रहा है ना माइनस वन यस किसी को नहीं पता चल रहा तो प्लीज लेट मी नो आई विल एक्सप्लेन यस फोर्थ का आंसर नॉट डिफाइंड ओके आदम का ट्वेंटी फोर्थ देख लेते हैं पहले एक बेटा इफ यू सी बोथ ऑफ देम दीज नंबर्स दीज आर एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देखो थ्री माइनस टू इज ऑलवेज वन रूट ऑफ थ्री माइनस रूट ऑफ टू इंटू रूट ऑफ थ्री प्लस रूट ऑफ टू इज वन So you can say these are reciprocal of each other. Next, 24th देख लेते हैं. So your answer is minus one. अब 24th में जो चीज लिखी है, इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं. ये जो चीज है, इसका मतलब क्या है? Let's try to understand that first. तो ये लिखा हुआ है root of five. I'll write it again. Let's say ये value x के बराबर है. ये value x के बराबर है. So what is this x equal to? Root of five. Again root of five. Again root of 5 and it is going on till infinity. So if I square both the sides, can I say this is 5 again square root of 5 again square root of 5 again square root of 5 and goes on till infinity? Yes. Yes. Sir. अगर आप अच्छे से observe करें, तो भाई पूरे समुद्र में से अगर एक आपने बाल्टी पानी निकाल दिया, तो बाकी जो बचेगा वो भी तो x ही रहेगा. तो मैं बोल सकता हूँ ये x के बराबर है. x square is equals to 5x. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? So from here I can make a conclusion that x square minus 5x will be equal to 0. तो जब ये factorize होगा तो value या तो 0 आएगी या तो 5 आएगी. अब हुआ क्या? देखो आप mathematics में एक चीज का बहुत ध्यान रखना. Maths में जब भी आप squaring करते हैं, when you do squaring, you add false root. False. मैंने आपको बार-बार बताया हुआ. क्यों? Yes. x equal to root of 5 लिखा है. x square अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. अब x square equal to 5. अब आप उल्टा जाने की जब कोशिश करोगे वापस से उसके पास, तो x की वैल्यू क्या देगी? प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगी. प्लस माइनस. So what happens is you square it, you add a false root. Okay, so you have to check if that root was satisfying the condition. So if I have squared, I have added one false root. So in दोनों में से एक root false है. मतलब एक root ऐसा है जो गलत है या जो गलती से आ गया है squaring के बाद. तो ऑब्वियसली वो जीरो ही होगा. क्यों? क्योंकि किसी भी चीज अगर मैं इसको स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, भाई फाइव का स्क्वायर रूट किया फिर अंडर रूट ऑफ फाइव किया, तो ये जीरो थोड़ी ना होगा. ये तो कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा ना. जी क्लियर? क्या समझ आ रहा है आपको? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हेलो. यस बेटा. यस सर. आपने क्या पढ़ाया सर? ये वापस पूरा एक्सप्लेन कर सकते? तो वो लाइट बंद हो गई थी तो वाईफाई का बॉक्स बंद हो गया. मैं बताता हूं सर, शुरू से बताओ ना. अभी नए सेशन में क्या कराया सर? ये मैं 23rd का सिद्धार्थ आंसर आ गया. 23rd का सर मैंने नहीं लिया स्क्रीनशॉट. जैसे इज इट क्लियर? परमिसिबल वैल्यूज बोला है, तो परमिसिबल वैल्यूज के लिए आपने क्या कर दिया? आर्गुमेंट को ग्रेटर देन 0 बोल दिया. आर्गुमेंट 0 से बड़े के लिए सॉल्व कर लिया आप इसको. तो ये वाली ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी से कर लेंगे ना. इज इट क्लियर? यस बेटा आदम. सर आंसर x is equal to 3 और x is equal to 1 है सर. फिर ये क्या किया? माइनस इनफिनिटी से 1 और 3 से इनफिनिटी कैसे आ गया सर? ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हो आप? नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते हो, 1 और 3, प्लस माइनस प्लस लिखते हो, याद है? यस सर. ये वाला और ये वाला रीजन लेते हो, ठीक है ना? तो हम हर चैप्टर कनेक्टेड है. पहला चैप्टर वो इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि उसका यूजेज सेकंड चैप्टर में. अब सेकंड चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का यूजेज थर्ड चैप्टर में, ठीक है ना? तो सीक्वेंस भी चलता जाएगा हमारा. ओके
तो ग्रेटर देन जीरो के लिए मतलब कैसे चेक करेंगे? वेवी कर्व मेथड से. और इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया भैया, वेवी कर्व मेथड क्वाड्रेटिक में तो कोई जरूरत ही नहीं है. क्वाड्रेटिक दो रूट आएंगे, राइट मोस्ट पॉजिटिव होगा, बीच का नेगेटिव, और थर्ड भी पॉजिटिव होगा. क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली. तो हमेशा एक्सट्रीम्स में पॉजिटिव आता है क्वाड्रेटिक में, यस, जिसके दो ही रूट हो. तो एक्सट्रीम्स में पॉजिटिव आता है मतलब अगर मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो एक्सट्रीम्स ले लूंगा, लेस देन जीरो चाहिए तो बीच वाला पोर्शन ले लूंगा. ये तो दिमाग में लॉजिकली आप फटाफट कर सकते हैं, इतना ज्यादा टाइम आप उसमें नहीं लगाएंगे इसको प्लॉट करने में और इसमें. ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यस, चलें अब आगे. यस, ठीक है. अब 26th क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया. अब 27 देख लेते हैं. लेट्स गो विद द 27th क्वेश्चन. ये दिया हुआ है, फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x. x की परमिसिबल वैल्यूज आपको बतानी है क्या होगी इस केस में. मोहम्मद छल्ला वाला का आंसर मेरे पास आ गया है 1-2. ओके ओके ओके, लेट्स सी. कुछ और तो नहीं छूट रहा है मोहम्मद, एक बार देख लो. लेट्स सी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में. देखो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब और मतलब हिंदी वाला. इसके बीच में एंड ऑपरेशन होगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन. क्यों? मान लो इसका आपने सेटिस्फाई करवा दिया, इसका सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नहीं चलेगा सॉल्विंग में क्वेश्चन. इसका सेटिस्फाई का मतलब क्या है? 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. अब x² - 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞. अब तो फटाफट करना है आपको इसका आंसर. 4 - x² > 0 मतलब क्या है? x² - 4 < 0 x बिलोंग्स टू -2 से 2. इज इट क्लियर? अभी किसी को इनइक्वालिटी में कंसर्न नहीं होना चाहिए. आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है इनइक्वालिटी की. तो अब इनका क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही फर्स्ट क्वेश्चन चलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी तो ही सेकंड क्वेश्चन चलेगा, सेकंड वाला एक्सप्रेशन चलेगा. अब दोनों एक साथ कब चलेंगे? जब दोनों का कॉमन वैल्यूज हम ले लें, -2 से 2 और दूसरा क्या लिया हुआ है? -1 1, तो दूसरे वाले का आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से 2. कॉमन पार्ट दोनों का ये आ जाएगा. सो योर फाइनल आंसर इज -2 से -1 यूनियन 1 से 2. सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद जम्बूगोड़ा का आंसर आया मेरे पास, यस. देन प्रीत, ध्रुमिल, सिद्धार्थ इज आल्सो गिवन द आंसर, ओम इज आल्सो गिवन द आंसर. ठीक है, यस, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. एक मिनट अर्श से मुझे बात करनी है. अर्श, अर्श मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है. अर्श मैं ये बता रहा हूँ, देखो अगर आपको क्लास में नहीं पता चल रहा है डोंट बी वरीड, तुम्हारा फर्स्ट डे से जो भी छूटा हुआ है सारा कवर अप हो जाएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी प्लानिंग. ओके ओके सर, ठीक है ना. तो पॉसिबल है कि तुमको शायद समझ ना आए इसमें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आपको भेज दूंगा, तो आप जब भी घर के फ्री टाइम है तो उनको ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में वी विल बी प्लानिंग क्लासेस फॉर यू. ठीक है, सारा कवर अप के लिए. थैंक यू सर. चले अब आगे. चलिए 28th क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. 28th का मुझे कौन आंसर बताएगा? लेट्स सी. चलो अब 28th में आ जाते हैं. किसी को डाउट है 27th क्वेश्चन में तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है, 27th क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो.
28th का आंसर मेरे पास सबसे पहले मोहम्मद का आ गया है, माइनस इनफिनिटी से टू यूनियन फिर से इनफिनिटी। अच्छा ओके ओके, इसमें से क्या मजा, आदम का भी यही आंसर आ रहा है। ओके लेट्स सी, ओके लेट्स सी, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ओके ना देखो जो भी इसके आर्ग्यूमेंट में लिखा है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस फाइव प्लस नाइन अपॉन टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स। इज इट क्लियर? नाउ दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप न्यूमरेटर ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर एक ऐसा क्वाड्रेटिक है, मुझे नहीं लगता फैक्टराइज होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेता हूँ मैं, तो पता चलेगा बी स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू 9, सो ये लेस देन जीरो आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब क्या है पता है आपको? इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, देयर इज नो रियल रूट, नो रियल रूट। अच्छा कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोएफिशिएंट इज 1। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये कैसा क्वाड्रेटिक है जो हमेशा x एक्सिस के या तो ऊपर लाई करेगा या तो नीचे। अब मेरा कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब क्या, ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। इफ यू रिमेम्बर हम 10th में बनाते थे, जिन्होंने जिनको नहीं पता आप इसको 10th के साथ रिलेट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक है, पैराबोला होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड डिपेंड करता है कोएफिशिएंट पे टी स्क्वायर के, ठीक है? तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला। अब इसका मतलब क्या है, ये जो अपवर्ड मतलब x एक्सिस के ऊपर है। अब x एक्सिस के ऊपर का मतलब क्या है, जो भी इसके ऊपर वैल्यू आएगी y की वो पॉजिटिव आएगी ना, क्यों? ये पॉजिटिव y एक्सिस में ही लाई कर रहा है, नेगेटिव y एक्सिस में तो कोई ग्राफ ही नहीं है। तो ये जो नेट क्वांटिटी है, अब एक चीज ध्यान रखना, जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आता है तो या तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है a के ऊपर। अब a ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा पॉजिटिव, a लेस देन जीरो है तो हमेशा नेगेटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। अब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसका इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो टी माइनस 2 टी माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस प्लस लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट के लिए क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सो प्लीज नोट इट डाउन, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। मोहम्मद आदम सिद्धार्थ अवध सबका आंसर आ गया, फातिमा का भी आ गया, वेरी गुड फातिमा, ओम का भी आ गया, बहुत अच्छे ओम, द्रुमिल मोहम्मद छला वाला है जिनसे भी आंसर, प्रीत का भी फाइनली आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पता चल रहा है अलफिया, ठीक है। हम उस सी, आप मुझसे ये भी क्वेश्चन बोल सकते हैं जिन बच्चों को अगर डाउट है माइंड में कि सर इसको आपने जीरो से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा फैक्टराइज होगा, एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज होगा, और फैक्टराइज होने के बाद इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां पे साइन चेंज होगा। इसके कोई फैक्टर्स ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, तो ये हमेशा या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या तो नेगेटिव। हम इसको एक पॉजिटिव वैल्यू बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा देगा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो कुछ कांस्टेंट ही होगा पॉजिटिव, मान लो 5 10 20 30 40 50, तो क्या ये पॉजिटिव कांस्टेंट इनइक्वालिटी को फर्क करेगा, नहीं करेगा, तो इसलिए हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। हम हमेशा उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जीरो को जो क्रिटिकल पॉइंट देता है, बिकॉज़ दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेयर द साइन इज चेंजिंग। आई गेस शुड वी मूव ऑन नाउ, चलें आगे नेक्स्ट। ये आया हुआ है जेई में, 4 मार्क के लिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 में आया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी कौन इसको सॉल्व करके बता रहा है। जो इसको सॉल्व करके बताएगा उसको सारे कॉन्सेप्ट अभी तक के क्लियर है। टेक योर टाइम, देखो ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये वाले एक्सप्रेशन को x ले लिया है,
और इसकी वैल्यू निकाल रहे। अब अगर इसके अंदर मैं ये फर्स्ट वाला टर्म हटा देता हूँ तो जो मेरे पास चीज बच रही है, दिख रही है जो मुझे, वो भी x के बराबर है। सो आई कैन री राइट नाउ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ फोर प्लस वन अपॉन थ्री रूट टू इंटू एक्स। यस, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ तो क्या जाएगा, व्हेन आई स्क्वेयर बोथ द साइड्स व्हाट आई गेट, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर प्लस वन बाई थ्री रूट टू एक्स। इज इट क्लियर? अब ध्यान रखना ये जो x है ये सिर्फ थ्री रूट टू के साथ है। बच्चे जो गलती करते हैं यहाँ पे वो ये करते हैं फोर प्लस वन बाई थ्री रूट टू पूरे के साथ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस आयुष सर, वो साइन चेंज कैसे हुई? नहीं नहीं नहीं, माइनस ही है, साइन नंबर चेंज नहीं करना, माइनस ही है, माइनस ही है। अच्छा सर, मिस्टेक था, माइनस ही है ना, माइनस का साइन ही है, साइन चेंज नहीं करें। अब स्क्वायर कर दिया आपने, अब एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो व्हाट विल बी द आंसर? 3 रूट 2 टाइम्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इनटू 3 रूट 2 माइनस x। तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस बन जाएगा प्लस x और ये आ जाएगा 12 रूट 2 माइनस 12 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं फैक्टराइज कर पा रहा हूँ? देखो 12 रूट 2 है और 3 रूट 2 है, इसमें से मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 4 3 और ये हो जाएगा 3 2, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 8 3 3 जन 9, तो 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 12 रूट 2 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, मैंने यहाँ से पहले एक्सप्रेशन से 3 कॉमन निकाल लिया एक्स के साथ, तो बचा क्या, रूट टू एक्स प्लस 3 और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया माइनस में, देखो 4 रूट 2 पूरा का पूरा बाहर आ रहा है, ये बचेगा रूट टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया अगर मैंने तो x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, दो फैक्टर्स आ जाएंगे। देखो फर्स्ट फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूँ तो 3x माइनस 4 रूट टू एक फैक्टराइजेशन आ रहा है और एक फैक्टराइजेशन आ रहा है रूट टू एक्स प्लस 3, है ना। तो x का वैल्यू माइनस 3 बाई रूट टू, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स रूट ऐड हो गया, वो हमें पता था और वो पॉसिबल भी नहीं है। क्यों, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव थोड़ी ना देगा वैल्यू, ये तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ से, 4 रूट टू बाई 3। इज इट क्लियर? तो अब गिवन एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आई राइट इट इन ब्लैक ओवर हियर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस लॉग ऑफ 3 बाई 2 बेस में है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 3 रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 4 रूट 2 बाई 3, तो रूट 2 रूट 2 कट गया। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, 6 प्लस लॉग ऑफ 4 बाई 9 टू द बेस 3 बाई 2। अब क्लियरली दिख रहा है ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 को स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 बाई 4 और माइनस 1 करेंगे तो 4 बाई 9, तो ऑब्वियसली ये माइनस 2 वैल्यू दे रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2 विच इज 4। ठीक है, ये आपका आई आई टी जी का क्वेश्चन हो गया एडवांस 2012 का। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। यस मोहम्मद सर, पर पूरे को x के साथ क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? पूरे को क्या किया, वो -1/3√2 को पूरे को क्यों, मतलब जो 4 -1/√3 बेटा तब करते मतलब जब क्वेश्चन में ऐसा होता, देखो तब करते, यही बच्चों ने गलती किया और यही मिस्टेक हुआ। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था लेकिन फिर भी बहुत बच्चों ने गलत किया था। रीजन यही था कि अगर ये ब्रैकेट में ऐसा लिखा होता तो पूरा रूट मल्टीप्लाइड होता, ये इस टर्म के साथ सिर्फ रूट लगा हुआ है, मतलब इस टर्म के साथ ही सिर्फ आगे चल रही है चीजें। यस सर, आपने लास्ट ईयर भी वो में ये वाला बताया था, एक ऐसा क्वेश्चन दिया था फर्स्ट ही चैप्टर में जिसमें वो खाली लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा था, 2001 समथिंग का दिया था सर। यस यस यस, उसी में याद था। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग सर, ये पहले वाला क्वेश्चन दिया था वो, हाँ वैसा ही दिया था रूट 5 जैसा। तो सर उसमें भी ये सेम ही कर सकते हैं ना, आंसर भी सेम ही है ना? हाँ, दोनों में आंसर सेम ही आएगा ना। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे आप। ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
फीमेल होगी, जुडिशियल होगी या प्राइम होगी, क्या होगी? सर इंटीग्रल इरेशनल, क्या होगी बताओ? मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रल रेशनल, इरेशनल या प्राइम। देखो इसको करने के लिए क्या लॉजिक वर्कआउट करेगा, ठीक है? मान लो ये वैल्यू x के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ, मान लो ये रेशनल है तो मान लेते हैं x by y के फॉर्म में, सही है? मेरे x and y are co-prime integers, रेशनल का फॉर्म क्या था? P by Q ही होता है ना, तो हम क्या करते हैं P by Q ले लेते हैं, चलो log 7 base 2 is P by Q, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 7 is 2 raise to P by Q, कैसे मैंने लिखा, ये गया ये इसके एक्सपोनेंट पे गया, तो 7 की पावर Q will be 2 की पावर P, क्या इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ऐसा कभी पॉसिबल है? नो no. क्या ये p by q रेशनल फॉर्म में होगा? नो सर, आंसर इज सी। सर लास्ट में क्या किया, 7 रेस टू q, ये हमने दोनों को q पावर पे रेस कर दिया, तो 7 की पावर q हो गया 2 की पावर p, और p एंड q भी दोनों को q से मल्टीप्लाई कर दिया, यस रेस कर दिया पावर को,